Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Doops and it's my channel all about Runo. So yes, I'm here with a very good informative video. क्योंकि मैंने बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन रिसीव किया था कि आप लोगों को जानना है अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि अमेजोन पे कैसा होता है इंटरव्यूज, इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है वो किया जाता है एंड हाउ टू गिव द आंसर एंड ऑल. सो येस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी शेयरिंग माई इंटरव्यू डिटेल. सो हुआ था कि लाइक बिफोर गेटिंग माई सिलेक्शन आई वॉज रिजेक्टेड लाइक वन और टू टाइम्स बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट द मेथड, लाइक अबाउट वट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग. सो येस, दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड वेल, सो दैट्स आई गॉट रिजेक्शन. सो आई वॉन्ट यू गाइज, प्लीज डोंट फेस द रिजेक्शन, जस्ट बी प्रिपेयर बिफोर गिविंग द इंटरव्यू. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस. सो वॉच द फुल वीडियो बिकॉज यू विल बी गेटिंग सो मच इन्फॉर्मेशन. लोगों को बताना चाहूंगी द मोस्ट कॉमन मेथड एंड द कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है अमेजोन पे, वो होता है बिहेवियरल क्वेश्चन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अमेजोन पे किसी भी रोल के लिए जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हो तो दे विल बी आस्किंग फॉर श्योर द बिहेवियरल क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू हैव टू गिव द आंसर बाई यूजिंग स्टार मेथड. So in this particular video, I'll be sharing like what are the questions they ask about behavioral method, like behavioral questions क्या होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, what are the most common questions they will be asking, and I will also share what is star method, like star method क्या होता है, आपको कैसे जो है वो अपना answer देना होता है. तो मैं थोड़ा सा आपको brief दूंगी और आपके पास, और मैं आपको ये भी request करूंगी कि आप इंटरव्यू से पहले इस पहले वीडियो में तो शेयर करने ही वाली हूँ. इसके अलावा भी आप प्लीज यूट्यूब में सर्च कीजिए बिहेवियरल क्वेश्चंस, गूगल पे सर्च कीजिए कैसा होता है बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड क्या होता है स्टार मेथड. यू विल गेट अ वेरी गुड व्यू एंड सारा कुछ प्रिपेयर करके ही आप प्लीज जाना, तो यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको अभी कुछ जो है वो क्वेश्चन अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस दे आस्क्ड इज कि व्हाई बिहेवियरल क्वेश्चंस, व्हाई अमेज़न प्रेफर बिहेवियरल क्वेश्चन. नॉट ओनली अमेज़न, द बिग कंपनी दे ऑलवेज बिलीव इन बिहेवियरल क्वेश्चंस. सो व्हाई द क्वेश्चन इज व्हाई द, क्योंकि अमेज़न बिलीव इन लीडरशिप एंड ओनरशिप. सो वो जानना चाहता है कि Amazon always believe in extra. उनको जानना होता है कि आप अपने आप से कितना दे सकती हो Amazon पे. It's not about कि आपको जो भी काम दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वो आप जो है वो वही किए जा रहे हो. They always believe in extra कि आप अपना नॉलेज कितना शेयर कर रही हो. तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिहेवियरल क्वेश्चन आपसे पूछ के वो जानना चाहता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक व्हेन यू शोर योर लीडरशिप ओनरशिप, लाइक आपने ऐसा कुछ काम किया है कि नहीं जहाँ पे आपने लीड किया है, अपना नॉलेज शेयर किया है, अपना ओनरशिप दिखाया है. तो अमेजोन को ये जानना होता है बिकॉज दे बिलीव इन लीडरशिप प्रिंसिपल वेरी वेरी मच. लाइक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल, लाइक देयर आर लाइक 16 लीडरशिप प्रिंसिपल दैट अमेजोन बिलीव. सो आफ्टर गेटिंग इन अमेजोन आई गॉट टू नो अबाउट दैट, सो आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो, सो यू कैन प्रिपेयर इन अ नेक्स्ट लेवल. सो इसमें आपको मैं अभी बताना चाहती हूँ कि दे ऑलवेज बिलीव इन एक्स्ट्रा. तो आपको आपका पास्ट का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना होता है. इट्स नॉट अबाउट ओनली वर्क एक्सपीरियंस. मे बी यू आर अ फ्रेशर सो यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, सो यू कैन यूज एनी ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक योर कॉलेज एक्सपीरियंस, लाइक योर पर्सनल एनी एक्सपीरियंस इन योर फैमिली और समथिंग, वेयर यू जस्ट लेट समथिंग, वेयर यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा, लाइक यू हैव शेयर योर नॉलेज और did something extra you have to share. So I will be sharing the questions, then you can just you can get a view that what type of answer you should be prepared. So the first question that the interviewer asked very often, that it is, tell me about a situation when you acted as a leader, that you have showed your leadership principle, and it is the very very common question they ask. So better you prepare for it, okay? So don't think कि हाँ जब मुझसे इंटरव्यूअर पूछेगा एंड आई विल गिव द आंसर इट्स वेरी इजी. नो इट्स नॉट इजी बिकॉज व्हेन एवर द इंटरव्यूअर विल आस्क यू, विल गेट कंफ्यूज्ड कि आप तुमको क्या बोलना है एंड ऑल. सो बेटर यू जस्ट कीप अ नोटबुक और यू कैन कीप अ डायरी वेर यू कैन नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रिपेयर योर आंसर, लाइक यू कैन नोट डाउन योर आंसर ऑल्सो एंड जस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके रखो आंसर. एंड जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सो यू कैन गिव द आंसर वेरी इजिली. सो येस, दैट इज द मेथड आई यूज. आई जस्ट नोटेड डाउन ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर एंड आई यूज टू जस्ट
prepared it and it was very helpful for my interview. So the next questions they often ask, it is, tell me about a situation when you helped your co-worker. Yes, this is a very good question. Like, आपको बोला जाएगा कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपका आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने अपना कॉलेज खत्म किया है समथिंग, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक सिचुएशन बताओ जहाँ पे आपने आपका कोई फ्रेंड था एंड ही वाज फेसिंग सम डिफिकल्ट सिचुएशन एंड यू जस्ट हेल्प हिम टू ओवरकम इट. सो आपका और ऑल्सो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दे कैन आस्क यू लाइक give me a situation, tell me about a situation when you help your coworker, he was facing some difficulties and you help them to overcome it like this. So iska kuch scenario agar aapke paas example already hai, so just note it down and prepare it. And also you can give any example of your college life, your fresher, and also you can give your workplace situation. This is the common question. And the third question is, tell me about a time when you found a simple solution to a challenging problem. I'm just repeating it again. When you found a simple solution, like there was some situation like it was very difficult, but you just solved it very quickly in a very simple method. So you can just explain ki ek bahut bada kuch situation ho gaya tha, uska maine like bahut hi simple solution diya tha apni like. If you are fresh at the college में या if you are like experience आपके work place में, ऐसा आपके पास आपको question किया जा सकता है. And the fourth question is, tell me about a time when you were about to when you were able to influence change in an organization. Like आपको पूछा जा सकता है कि आप एक situation के बारे में बताइए जब आपने अपने like पूरे team को अपने influence किया था to give a very good result, or like आपने कुछ invent किया था, like आपने कुछ ऐसा knowledge share किया था कि वो आपका जो team work है उसमें बहुत ही ज़्यादा effective था, ऐसा भी आपको question किया जा सकता है. Like when you gave the extraordinary like क्या बोलते हैं उसे thoughts in your team. एंड उसमें आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा जाता है, लाइक टेल मी अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर को वर्कर और विथ अ बॉस और विथ योर बॉस. लाइक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने लाइक टेल मी अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पे आपका जो है वो को वर्कर के साथ या फिर आपके बॉस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, वी हैड सम इशू, बट हाउ यू रिएक्टेड दैट टाइम और हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ये भी एक क्वेश्चन होता है बिहेवियरल क्वेश्चन में, सो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. ऐसा बहुत सारा बिहेवियरल क्वेश्चन होता है जिसका आपको जो है वो सॉल्यूशन देना होता है. अभी मैं बताऊंगी कि आंसर कैसे देना होता है. सो आंसर आपको देना होता है बाय यूजिंग स्टार मेथड. तो व्हाट इज स्टार मेथड, नाउ आई विल बी शेयरिंग यू व्हाट इज स्टार मेथड जिसको आपको यूज करके आंसर देना है. सो इट विल कम इन पार्ट टू बिकॉज ये वाला वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो गया है. सो आई एम जस्ट एंडिंग द वीडियो हेयर. सो द नेक्स्ट वीडियो वो कल ही आएगा, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं एक साथ पूरा वीडियो डालना नहीं चाहती हूँ. सो येस आई विल बी शेयरिंग दिस इन द पार्ट टू कि आपको आंसर कैसे देना है एंड वट इज स्टार मेथड. आई विल बी एक्सप्लेनिंग लाइक इन अ वेरी डिटेल इन अ वेरी लाइक वेरी इन अ वेरी गुड वे. सो यू विल गेट अ व्यू. And so this is it. I am just ending the video here. If you like the video, please do subscribe my channel and please like this video. I am coming like tomorrow with a good video. Bye-bye.